इसे ही कहते हैं उल्टी गंगा बहना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता रानी का भजन गाने लगे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ, इससे पहले कि हम इस पूरी खबर को आप तक पहुँचाएं, आइए जरा उस वीडियो को देखते हैं जिस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें स्टेज पर लोगों के सामने माता का भजन गाते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि नवरात्रि में फारूक अब्दुल्ला माता के भजन गा रहे हैं। कई यूजर्स ने कटाक्ष करते हुए लिखा, भारत में इतना बदलाव हुआ कि अब फारूक अब्दुल्ला भी माता के भजन गा रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या जो आंखों के सामने है वही सच है, या फिर इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी कुछ और है? तो वो सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फटाफट हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से आप अप टू डेट रहें। दरअसल दोस्तों, वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इससे जुड़े कीवर्ड्स गूगल पर सर्च किए। सर्च रिजल्ट में हमें इस वीडियो से जुड़ी खबर एक न्यूज वेबसाइट पर मिली। वेबसाइट के मुताबिक 14 अक्टूबर 2015 का ये वीडियो जम्मू का है, जब शिवसेना ने नवरात्र के पहले दिन जम्मू से वैष्णो माता धाम तक छड़ी यात्रा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला जमकर झूमे और पूरे सुर ताल के साथ माता का भजन चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है गाया था। उनका भजन सुनकर वहां मौजूद सभी लोग झूमने पर मजबूर हो गए थे। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो आज तक के YouTube चैनल पर भी देखने को मिला, जिसमें ये वीडियो 14 अक्टूबर 2015 को अपलोड हुआ है। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तो सच है, लेकिन ये इस बार की नवरात्रि का वीडियो नहीं बल्कि 2015 के नवरात्रि का वीडियो है। यानी इस वक्त जिस दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है वो दावा गलत है, जबकि वीडियो पूरी तरह से सच है।